हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ कलाओं से भरपूर घाटमपुर के मेला कुष्मांडा देवी के मंदिर में। चलिए पूरा वीडियो दिखा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। घुमाओ घुमाओ एकदम, फूको एकदम फूको, वाह। तो दोस्तों यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और आप पीछे को देखेंगे कुष्मांडा देवी का जो द्वार है वो इस तरफ आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए। तो मैं अब आ चुका हूँ मेन द्वार पर, आप देख सकते हैं शेर वगैरह खड़ा है, यहाँ से शुरू होता है जाने को। अब मैं चल रहा हूँ अंदर की तरफ, तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी मंदिर आपको यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं अब आगे की ओर चल रहे हैं फिलहाल, और आगे देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और इसका आगे का आपको नज़ारा पूरा दिखाएंगे और पीछे की तरफ आप दिखाएंगे। देखिए ये पीछे की तरफ कुछ ऐसा है, यहाँ पर छोटी छोटी मंदिरें बहुत सारी बनी हुई हैं, ये देखिए। और यहाँ को अगर नज़ारा बताएं तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी आपको दिखाएंगे शिवलिंग जिसे बोलते हैं, वहाँ पर किस तरीके से फुड़ेरा वगैरह चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। आप जैसे ये देख सकते हैं इस तरफ को पुरुष को जाना है और इस तरफ महिलाओं को, तो मैं पुरुष की तरफ चल रहा हूँ। और यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये देखिए। और दोस्तों जैसे ही आगे यहाँ से बढ़े हम, तो आगे की पीछे की तरफ ये फुड़ेरा टाइप का बना हुआ है और देख सकते हैं ये क्या बोलते हैं भोले बाबा का जो लाठ होती है, इसको बोलते लाठ शायद, उसी पे फुड़ोरा हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, जितना अच्छा कैमरा में लग रहा है उससे ज्यादा हकीकत में लग रहा था, कोई देखने वाला नजीरा देख सकते हैं। जैसे ही इतना चीज देखने के बाद मैं पीछे की तरफ आया, तो पीछे की तरफ ये तालाब है बहुत ही बड़ा, आप देख सकते हैं जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और इसके नीचे उतरते हैं और देखते हैं क्या है, और इसके नीचे जैसे सीढ़ी उतरे तो आसपास देख सकते हैं आप, मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। और इसके जो ये पानी भरा हुआ है, फिलहाल इसका पानी तो बहुत गंदा है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा सकता। और इस तरफ को देखेंगे तो साहित्य परिक्रमा वगैरह भाई हो सकती है, नहीं भी होती होगी कोई इसका, अभी मैं जब गया था तो वहाँ पर कुछ परिक्रमा वगैरह कोई इसमें था नहीं। तो मैं ऐसे ही घूमता रहा आगे की तरफ, और ये तालाब आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया दिख रहा है। और फिर मैं आगे को चलता गया तो इसके बाद एक और अभी तालाब दिखेगा जो आपको दिखाएंगे अभी हम। बहकी सभी जुबां है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। ये मूर्ति रखी हुई है, अब इसके जो मैंने तालाब बताया था वो ये तालाब है, आप देख सकते हैं ये तालाब है, और इसमें पानी यानी भरा जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिलहाल जो आप देख सकते हैं इस तरफ जो सामने दिख रहा है लाल लाल, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बजरंग बली बाबा की लाठ लगी हुई है। तो रबा है, अब है जो है वो समा है। तो आगे बढ़ते हुए जैसे ही चले तो पूरा राउंड पूरा हो चुका था, आप देख सकते हैं इधर भंडारा चल रहा है जो कि चलता ही रहता है। अभी फिलहाल पूड़ी बट रही हैं और इससे पहले वो बट रहा था हलुआ वगैरह, तो यहाँ पर चलता रहता है। अब चाहे जिंदगी। तो अब मैं घुस चुका हूँ मेला के अंदर, आप देख सकते हैं मैं मेला में चल रहा हूँ इस समय। तो मेला यहाँ पर बहुत ही बड़ा लगता है जो कि पूरा सामान आसानी से मिल जाता है, आप देख सकते हैं, और वीडियो में देखते रहिएगा। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है,
अब मैं आ चुका हूँ बाहर, आप देख सकते हैं हाईवे पे आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ घाटमपुर स्टेशन भी है, आप आसानी से आ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।